नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा जो DC फैन मोटर होती है, DC फैन मोटर को आप कैसे आसानी से चेक कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक रेफ्रिजरेटर की हायर साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर की ये DC फैन मोटर होती है। ये बिल्कुल DC है, इसमें AC से नहीं चलता। तो आप कैसे इसे आसानी से चेक कर पाएंगे, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब आपके जो फ्रिज के काम करने गए हैं उस फ्रिज को फैन मोटर नहीं चलता है, तो आपको काफ़ी परेशानी होती है कि उसके फैन मोटर सही है या नष्ट हो चुका है, या फिर उसके PCB में से लाइन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। आज मैं आप लोगों के सामने ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसे चेक करने के लिए आपको पास अगर डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर के ज़रिए इसका जो मेल फीमेल चेक होती है, आप उसमें DC वोल्ट चेक करते हैं तो आपको 12 वोल्ट मिलेगा। तो ये होता है आपकी जो फ्रिज के अंदर जो बॉडी में उसका चेक होती है, जो पॉइंट होता है उस पॉइंट में अगर आप मीटर को रखोगे तो आपको उससे वोल्ट नज़र आएगा। तो ये आपको पता चलेगा कि उसके PCB में से वोल्ट निकल रहा है। तो दोस्तों, ये तो अपने चेक कर लिया कि PCB में से वोल्ट दे रहा है, तो ये फ़ैन कैसे आप चला के देख पाओगे कि, तो इसके एक तरीका है। तो दोस्तों, ये 12 वोल्ट की फैन मोटर है। तो दोस्तों, ये मेरे पास 9 वोल्ट DC बैटरी है। तो इस बैटरी से मैं अभी इससे फैन मोटर को रन करूँगा, फैन मोटर को चलाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप इसे चला सकते हैं, क्योंकि ये DC फैन मोटर है, AC नहीं है। तो आपको ये DC 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है तो ये चलाने के लिए। तो दोस्तों, आप चाहे इसमें 12 वोल्ट की जो बैटरी है, बैटरी से भी इसे चला सकते हैं, वरना आपकी जो 9 वोल्ट की बैटरी है, आप उस बैटरी से आप इस फैन मोटर को चला सकते हैं, चाहे DC जितने भी फैन मोटर हो चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता है सेंसर की लाइन। इसमें सेंसर होता है कि रूम टेम्परेचर के लिए ये सेंसर होता है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इस सेंसर को कैसे चेक किया जाता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं ज़रूर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि ये फैन मोटर कैसे चेक किया जाता है बैटरी के थ्रू। तो दोस्तों देखिए, इसमें 3 वायर होती है, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है फीडबैक वायर। तो दोस्तों, ये फीडबैक वायर किस लिए इस्तेमाल किया गया है? ये फीडबैक वायर इस्तेमाल किया गया है जब भी ये फैन मोटर रनिंग होगा, फैन मोटर रन करेगा तो इसमें कितना वोल्ट ले रहा है या फिर कितना वोल्ट इसमें है, तो ये फीडबैक के वायर के मदद से वो PCB में फीडबैक देता है, ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में जो वोल्टेज उसका चाहिए वो वोल्टेज उसमें मिल सके। तो इसलिए इसका फीडबैक की जो वायर होती है वो काम करती है, और फेज न्यूट्रल जो होता है, फेज न्यूट्रल काम करता है इसके सप्लाई के लिए, और फीडबैक होता है उसके वोल्ट मेजरमेंट करने के लिए कि मोटर की स्पीड कितना हो चुका है, कितना वोल्ट है, कितना कम है। इससे वो सेंस करके इसी को फीडबैक देता है, ताकि वोल्टेज उसे बढ़ा सके, कमा सके। तो दोस्तों, ये होता है बैटरी। इस बैटरी से मैं अभी इसे चेक करूँगा। तो आपको इस तरीके से दो छोटे छोटे वायर की ज़रूरत होगी, तो मेरे पास ये दो वायर है, तो इस दो तार की मदद से, वायर की मदद से अभी मैं इस फैन मोटर को चलाऊँगा। तो देखिए, ये बिल्कुल अभी चल चुका है। तो इसका जो प्रांत है, देखिए दोस्तों, ये जो फेज न्यूट्रल है, फेज न्यूट्रल पे मैंने इससे लगा दिया। लगाने के बाद देखिए, ये जो बैटरी है, बैटरी के साथ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इसका जो फैन मोटर है, फैन मोटर ये चलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपके इससे पहले बता दूँ कि इसमें 3 वायर होती है, फीडबैक की एक वायर होती है, फीडबैक के वायर छोड़ के फीडबैक में वायर पे आप इसे कनेक्शन करोगे तो ये नहीं चलेगा। तो आपको ये फेज न्यूट्रल में घुमा फिरा के कनेक्शन करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब भी आप घुमा फिरा के इसे कनेक्शन करोगे तो ये फैन मोटर बिल्कुल चलना शुरू कर देगा। तो ये फैन मोटर अभी बिल्कुल चलना स्टार्ट कर दिया, तो ये फैन मोटर बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से चाहे किसी भी DC फैन मोटर को चेक कर सकते हैं। हो सकता है वो AC के है, हो सकता है फ्रिज के है। अगर 12 वोल्ट के है तो आप इस मदद से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें रेड और जो ब्लैक है, इसमें फेज और न्यूट्रल है, और बाकी का जो तार है वो होता है कि फीडबैक की वायर। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसमें फैन को चेक कर सकते हैं, इसमें एक बैटरी की मदद से आप इस फैन मोटर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उस भाई इसके बारे में जान सके और आगे जाके अच्छे से काम कर सके।
और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ्टी से काम करिए, खुश रहिए, क्योंकि सेफ्टी को फर्स्ट ज़रूरत होती है। तो मैं हमेशा कहूँगा सेफ्टी को पहले इस्तेमाल करिए और फिर जाके काम करिए। तो दोस्तों नमस्कार, बाय बाय।